मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और किसी भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सुमन आर्ट्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखें, ये प्लेन कुर्ती का कपड़ा मैंने लिया हुआ है। इस बार हम फैब्रिक पेंटिंग करेंगे। ये देखें, कुर्ती का साइज यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इस पर ट्रेस करेंगे। ये देखें, ये डिज़ाइन मैंने लिया है ट्रेस के लिए। ये हम कुर्ती के फ्रंट में ट्रेस करेंगे, क्योंकि अब ये वाइट कलर है तो इसके लिए मैंने ये कलर पाउडर लिया है और ये इसमें मैंने पेट्रोल मिलाया है। आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल कुछ भी मिला सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन इस पर ट्रेस हो चुका है। ठीक इसी तरह से हम कुर्ती के दूसरे कॉर्नर पर भी डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। ट्रेस करते समय हमें पेपर को हिलाना नहीं है और ये कॉटन को भी हमें एक ही डायरेक्शन में ले जाना है। देखिए, और एक हम इसके ठीक बीचों बीच थोड़ी ऊंचाई पर लेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइन अब ट्रेस हो चुका है इस पर। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रेस अब सूख चुकी है। अब हम इसमें आउटलाइन करेंगे। ये देखें, फ्लावर के लिए मैं ये रेड कलर यूज़ करूँगी, तो हम फ्लावर की रेड कलर से आउटलाइन करेंगे। और लीव्स के लिए मैं ये डार्क ग्रीन यूज़ करूँगी, तो इसमें हम डार्क ग्रीन से आउटलाइन करेंगे। ये छोटी वाली लीव्स है, इसमें मैं लाइट कलर यूज़ करूँगी, लाइट ग्रीन। तो हम इसके आउटलाइन करेंगे सबसे पहले। देखिए, इसी तरह से हम अपने पूरे डिजाइन के आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये फ्लावर में हमने आउटलाइन कर दी है। अब हम इसी तरह से लीव्स में भी आउटलाइन कर लेंगे। देखिए ठीक इसी तरह से हम बाकी पत्तियों में भी आउटलाइन करेंगे। ये हमने सभी लीव्स में आउटलाइंस कर दी हैं। अब हम ये देखिए, दो कलियां हैं इसकी भी, स्टेम में हम यही कलर करेंगे।
अभी लाइट ग्रीन का कलर लेंगे, इससे हम यहाँ पर आउटलाइन करेंगे। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर से भी हमने आउटलाइंस कर दी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे फ्लावर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसमें हम येलो कलर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे डिजाइन की आउटलाइन हो गई है। अब इसे अच्छे से सूखने देंगे। ये देखिए ठीक इसी तरह से हम बाकी के दोनों डिजाइन में भी आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने डिजाइन में आउटलाइन कर दी है। अब हम इसमें कलर करेंगे। ये हमने फ्लावर में रेड कलर की आउटलाइन की है, तो हम यहाँ पर रेड और मैरून कलर की मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए, ये मेरा मैरून कलर है और ये रेड कलर। ये हमने ऊपर मैरून कलर लिया था, नीचे से रेड कलर लेंगे। ये छोटी जगह है तो हम इसके लिए छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। इसे हमें इस तरह से मिक्स करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। ये हम दोबारा कलर लेंगे रेड, तो हम ये ब्रश को धोने के बाद यूज़ करेंगे। हमें इसे ऊपर की तरफ ले जाना है मिक्स करते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाना है। ये देखिए, ये हमने कलर मिक्स किया है। यहाँ पर ये तीन शेड नज़र आ रही है, ये नीचे लाइट रेड, बीच में थोड़ा डार्क हो गया, ऊपर डार्क शेड है। ये लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, ये सूखने के बाद और अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब हमने यहाँ पर ये पत्ती आधी छोड़ दी है, तो हम इसमें अलग से मिक्सिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट्स मैंने मिक्सिंग किए हैं, तो यहाँ पर इसका जॉइंट है। यहाँ पर एक बार हम खाली ब्रश को इस तरह से घुमाएंगे, जिससे यहाँ पर जॉइंट नज़र ना आए। ये देखिए, तो ठीक इसी तरह से हम बाकी पैटर्न्स में भी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सिंग करते समय हमें कलर डिज़ाइन की शेप में ही लेना है।
देखें इसी तरह से हम अपनी पूरे फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न में हम दोनों तरफ से मिक्सिंग करेंगे। ये यहाँ पर हम मैरून कलर लेंगे और इस तरफ भी बीच में हम रेड कलर लेके दोनों तरफ को मिक्सिंग करेंगे। पहले हम एक तरफ मिक्सिंग करेंगे, ये देखिए ठीक इसी तरह से हम इस पैटर्न में भी दोनों तरफ मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे हम सूखने देंगे अच्छे से। ठीक इसी तरह से ये हमारी लीव्स हैं, इनमें हम डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन की मिक्सिंग करेंगे। इसमें हम दोनों तरफ मिक्सिंग करेंगे, यानी कि बीच की मिक्सिंग करेंगे हम। ये देखिए बाहर की तरफ हम ये डार्क ग्रीन कलर लेंगे, ये हम यहाँ से लाइट ग्रीन कलर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम बाकी लीव्स में भी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए ये सभी पत्तियों में हमने मिक्सिंग कर दी है। ठीक इस तरह से हम यहाँ पर भी डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन की मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने साइड वाली मिक्सिंग की है, यहाँ पर डार्क कलर लिया है, यहाँ पर लाइट। ये बीच वाले से में हम दोनों तरफ से मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने दोनों में मिक्सिंग कर दी है। अब हम इनके स्टेम में मिक्सिंग करेंगे, इसमें भी हम एक तरफ से मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम डार्क कलर लेंगे, यहाँ से लाइट ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पर भी मिक्सिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर रेड और मैरून की मिक्सिंग करेंगे।
देखिए ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने मिक्सिंग कर दी है, अब हम यहाँ पर इन पत्तियों में मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर हम लाइट ग्रीन और लेमन येलो की मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली लीफ है, यहाँ पर हम बीच वाली मिक्सिंग करेंगे, यानी दोनों तरफ मिक्सिंग करेंगे। हम जितनी बार भी कलर लेंगे ब्रश को धोकर और सूखे कपड़े से पोंछ कर तब यूज़ करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी सभी लीव्स में मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पर इन सभी पत्तियों में मिक्सिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे फ्लावर बनाए हुए हैं, येलो कलर से आउटलाइन की थी इसकी, अब हम इसमें कलर यहाँ पर हम मिक्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे फ्लावर हैं। ये देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर येलो कलर फिल कर दिया है और इसमें हल्का सा हम ऑरेंज कलर लेंगे और हल्की सी इस तरह से लाइनें बनाएंगे। ये ऑरेंज कलर हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। येलो कलर सूखने से पहले ही हमें ये कलर करना है और हम यहाँ बीच में भी ऑरेंज कलर फिल करेंगे। ये देखो इसी तरह से हमें बाकी फ्लावर्स भी बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी कलर कर दिया है, हमारा कलर मिक्सिंग पूरी हो चुकी है, अब हमारा कलर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसे अच्छे से सूखने के बाद आउटलाइन करनी है। यहाँ पर हम डार्क ग्रीन की आउटलाइन करेंगे, यहाँ पर लाइट ग्रीन की, यहाँ पर हम मैरून कलर की आउटलाइन करेंगे और यहाँ पर गोल्डन येलो कलर की। ठीक इसी तरह से हम ये बाकी दो फ्लावर्स इनमें भी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी आउटलाइन कर दी है। आउटलाइन करने के बाद देखिए इसकी सारी पैटर्न्स अलग अलग नज़र आ रही है। ये लीव्स में भी हमने ये बीच में लाइनिंग्स बनाई है और हमने बाकी के दो फ्लावर्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।